नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा अमिताभ बच्चन और उनकी एक फिल्म का है। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें से एक निर्देशक टीनू आनंद की फिल्म कालिया है। इस फिल्म के निर्देशक टीनू आनंद हैं और इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और टीनू आनंद के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। दरअसल अमिताभ बच्चन फिल्म के एक डायलॉग को बदलना चाहते थे, लेकिन टीनू आनंद किसी भी हाल में उस डायलॉग को बदलने के लिए राजी नहीं थे। दोनों अपनी बात पर अड़ गए। बात यहां तक आ पहुंची कि इस डायलॉग को फिल्म में रखने के लिए टीनू आनंद को एक शर्त लगानी पड़ी। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि अगर इस डायलॉग पर उन्हें ताली नहीं मिली तो वो निर्देशन छोड़ देंगे, लेकिन अगर डायलॉग पर ताली मिली तो अमिताभ एक्टिंग छोड़ देंगे। टीनू आनंद ने इस पूरे किस्से का जिक्र एक इंटरव्यू में किया था। कालिया फिल्म के लेखक टीनू आनंद के पिता इंदर राज आनंद थे और वो अपनी फिल्मों के डायलॉग में फुल स्टॉप और कॉमा जैसे छोटे बदलाव भी एक्टर को नहीं करने देते थे, बल्कि उनका लिखा डायलॉग ही हूबहू एक्टर्स बोला करते थे। टीनू आनंद ने बताया था कि मेरे पिता ऐसे राइटर थे जो कभी किसी एक्टर को अपना डायलॉग चेंज नहीं करने देते थे। अगर किसी एक्टर ने एक फुल स्टॉप भी निकाल दिया तो हमें घर पर जूते पड़ते थे। उस दिन अमित जी आए और शायद उनका मूड ठीक नहीं था। मैंने उन्हें सीन सुना दिया और उन्होंने सुनते ही कहा कि मैं ये डायलॉग नहीं बोलूँगा। मैं भी अपनी ढीठ किस्म का आदमी और मैंने उसी डायलॉग का शॉट लगा दिया। आगे टीनू आनंद ने बताया कि वो बोले, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ये डायलॉग नहीं बोलने वाला हूँ। मैंने कहा कि सर, ये डायलॉग बहुत ज़रूरी है। कल रात को मैं 3 बजे तक बैठा रहा हूँ कि डैड, मुझे ताली वाला डायलॉग चाहिए, और तब उन्होंने मुझे ये डायलॉग दिया है जो आप बोलना नहीं चाहते। मुझे मालूम है मुझे इस पर ताली मिलेगी। इसके बाद टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन के बीच जोरदार बहस हुई। अमिताभ बच्चन ने उनसे कह दिया कि हर डायरेक्टर डायलॉग को लेकर यही कहता है, लेकिन मुझे पता है कि क्या करना है। जब अमिताभ बच्चन किसी तरह नहीं माने तो टीनू आनंद ने उनसे कहा, सर मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, अपने प्रोफेशन की कसम खाता हूँ, अगर मुझे ताली नहीं मिली तो मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा। लेकिन आपको भी कसम खानी पड़ेगी, अगर मुझे ताली मिली तो आप अपना प्रोफेशन छोड़ देंगे। जब अमिताभ बच्चन ने ये बात सुनी तो वो अचानक उठ खड़े हुए और इसके बाद टीनू आनंद डर गए कि कहीं वो गुस्से में उन्हें मारने तो नहीं आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन उठे और शॉट देने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने वही डायलॉग बोला, तो आतिशे दोजक से डराता है जिन्हें, वो आग को भी पी जाते हैं पानी करके, चला दीजिए गोली। जब फिल्म 26 दिसंबर साल 1981 को रिलीज हुई तब फिल्म के साथ उनका ये डायलॉग भी बहुत हिट हुआ और थिएटर्स में खूब तालियां पड़ी, जोरदार। ये कॉन्फिडेंस टीनू आनंद का नहीं, ये कॉन्फिडेंस उनके राइटर पिता का था, जिसमें अमिताभ बच्चन गच्चा खा गए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।